हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता साउंखे एंड वेलकम टू माय चैनल कविता साउंखे इजी मैथ्स। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द लेसन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, एंड फ्रॉम क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, सो एंड दिस कंपेयरिंग क्वांटिटीज लेसन इज फॉर क्लास 8 ऑल्सो, सो दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो रेफर दिस, इट इज यूजफुल फॉर देम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.1। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मतलब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी। ओके स्टूडेंट, सो वॉट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? सी, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज 5 टू 50 पैसे। नाउ सी स्टूडेंट्स, वेन एवर वी आर फाइंडिंग द रेशियो देन द टू क्वांटिटीज शुड बी इन वन यूनिट। मतलब जो भी क्वांटिटीज होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो रुपीज 5 है और यहाँ पे 50 पैसे, लेकिन ये दोनों एक ही क्वांटिटी में चाहिए, एक ही यूनिट में चाहिए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये जो रुपी 5 है वो रुपीज में है और 50 जो है वो पैसे में, तो हम क्या करेंगे, एक तो 5 पैसे में कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसे रुपीज में। तो बेटर वी विल कन्वर्ट 5 टू पैसे। ओके, रुपीज 5 टू पैसे, व्हाई? बिकॉज इट इज इजी फॉर कैलकुलेशन ऑल्सो। अगर 50 पैसे रुपीज में करोगे तो वो पॉइंट में आएगा और फिर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू दिस कैलकुलेशन। सो लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन मीन्स व्हाट। नाउ अगर 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे होते वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये लेसन जब आप सॉल्व करते हो तो आप सभी कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, किलोग्राम का ग्राम में क्या होता है या फिर मीटर का सेंटीमीटर में कैसे होता है। ओके, सो प्लीज बाय दैट। नाउ सी, रुपीज 5 टू रुपीज 50 पैसे, सॉरी रुपीज 5 टू 50 पैसे वी हैव टू फाइंड द रेशियो। सो नाउ सी, दिस इज इन रुपीज एंड दिस इज इन पैसे, सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस रुपीज इंटू पैसे। सो सी, रुपीज 1 मीन्स वॉट, रुपीज मीन्स 1 मीन्स 100 पैसे। सो रुपीज 5 मीन्स वॉट, रुपीज 5 मीन्स 5 × 100 विच इज 500 पैसे। ओके, 500 पैसे, तो हम क्या करेंगे, 500 पैसे का रेशियो फाइंड करेंगे टू 50 पैसे। तो जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं, सी दिस इज द साइन ऑफ रेशियो, जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, वो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सो राइट द फ्रैक्शन हियर, 500 अपॉन 50, सो लेट्स डिवाइड इट, 0 0 विल कट। ओके, सो 5 1s are 5, 5 10s are 50, सो व्हाट वी गॉट, 10 upon 1, एंड दिस वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। सो हाउ वी विल राइट, जो भी न्यूमरेटर होता है वो पहले लिखो 10, फिर रेशियो इज टू एंड दिस डिनोमिनेटर 1, मतलब रेशियो में क्या मिला, 10 is to 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कैसे किया, पहले क्या किया, जो रुपीज होता है 5 वो मैंने क्या किया, पैसे में कन्वर्ट किया। क्यों? बिकॉज वॉट अवर सेकेंड क्वांटिटी इज देयर, दैट 50 पैसे, दैट इज इन पैसे, सो वी कन्वर्टेड रुपीज 5 इंटू पैसे। सो आफ्टर दैट वी विल गेट 500 upon 50, सो आफ्टर डिविजन वी विल गेट 10 upon 1, और ये हमने क्या किया है, रेशियो में लिखा है 10 is to 1। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर सेकेंड एग्जाम्पल। वॉट इज अवर सेकेंड एग्जाम्पल? अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज सी, 50 kg to 200 gram। ओके, मीन्स किलोग्राम टू ग्राम अभी हमें करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने ग्राम में, ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट किया देन ऑल्सो ओके, बट इट विल कम इन पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, सो बेटर वी विल कन्वर्ट दिस किलोग्राम टू ग्राम। सो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 15 kg मतलब कितना होगा, 15 kg मतलब 15 × 1000, सो वी विल गेट 15000 ग्राम। ओके, सो ये 15000 का आपको रेशियो फाइंड करना है टू 210 ग्राम। सो जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर कैलकुलेशन। सो हाउ यू विल राइट, सी व्हाट यू विल गेट, नाउ सी 0 0 विल कैंसल। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो इजीली यू कैन डिवाइड दिस। ओके, नाउ सी, या ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, सो वी कैन डिवाइड बाय 2, बट वी कैन डिवाइड बाय 3 नाउ। ओके, मुझे अभी डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, सो डायरेक्टली आई कैन टेल, इसलिए आप भी डिविजिबिलिटी रूल लर्न करो। ओके, तो ये देखो 2 + 1 = 3, और यहाँ पे 1 + 5 = 6, मतलब 6 and 3 बोथ आर थ्री स्टेबल, मतलब दोनों भी 3 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिवाइड होंगे। सो सी हियर, आई एम डिवाइडिंग बाय 3, 3 7s are 21, ओके, एंड दिस 3 5s are 15, और ये 0 0 एज इट इज, सो व्हाट विल रिमेन, 500 अपॉन
7 and this 507 we are writing in the form of ratio. So 500 is to 7, मतलब अगर 15 ग्राम टू 200 ग्राम है तो वो रेशियो में क्या आएगा, 500 इज टू 7. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड एग्जाम्पल. सो थर्ड एग्जाम्पल इज वॉट, सी ओके, अवर थर्ड एग्जाम्पल इज 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर. तो ये भी आपको पता होना चाहिए मीटर का सेंटीमीटर में कैसे करते हैं. ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट, जब भी बड़ी क्वांटिटी होती है मतलब किलोग्राम ओके या मीटर, किलोग्राम का ग्राम में, तो किलोग्राम बड़ा है ग्राम छोटा है, तो किलोग्राम का जब हम ग्राम में करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ओके. और अगर ग्राम का किलोग्राम में करना पड़ता तो हम डिवाइड करते हैं उस 1000 से. सेम या ना उसी मीटर का हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 9 मीटर is equal to 9 into 100, so we will get 900 centimeter. Okay students, so see 900 centimeter का हमें 27 centimeter से ratio find करना है. So 900 upon 27, what we will get? See अगर 3 से, see ये भी दोनों 3 से divide हो सकते हैं या फिर 9 से भी. See students, 9 की divisibility भी same ही है. See this 9 is divisible by 9 only, but this 2 plus 7 9, मतलब ये भी 9 से डिवाइड होता है, तो बेटर वी विल डिवाइड द 9. सो सी 9 थ्री इज 27, यस नो, 9 थ्री इज 27 एंड हियर 9 वन इज 9 और ये 0, 9 0 इज 0. सो 100 अपॉन 3 वी विल गेट. सो आवर रेशियो इज व्हाट, 100 इज टू 3, मतलब मैंने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, 9 थ्री इज 27 और ये 9 वन इज 9, 900 जस्ट. सो वी विल गेट 100 अपॉन 3, दैट से रेशियो इज व्हाट, 100 is to 3. तो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल हम देखेंगे. फोर्थ एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, दिस यू अंडरस्टैंड फॉर दैट, अगर आपको कन्वर्जन पता है तो इजीली यू कैन फाइंड द आंसर. तो ये फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ये चारों भी एग्जाम्पल डिफरेंट है ओके. एवरी वन इज फॉर रुपीज, एक किलोग्राम का है, एक मीटर का है ओके. सो इसलिए आपको सब पता होना चाहिए कन्वर्जन. सो सी व्हाट इज द फोर्थ एग्जाम्पल. फोर्थ एग्जाम्पल इज 30 डेज एंड 36 आवर ओके. 30 डेज, इट इज 30 डेज ओके, 30 डेज टू 36 आवर्स. नाउ सी स्टूडेंट, 30 डेज टू 36 आवर. सो डेज हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं. सो इन वन डे हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स, इजंट इट. तो फिर 30 डेज में कितने हुए, 30 डेज इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 24. सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई, 24 थ्री इज अवॉट 72 और ये 0, मतलब 720 आवर्स. तो हमें अभी रेशियो फाइंड करना है 720 आवर्स का 36 आवर्स. सो व्हाट यू विल गेट, सी 720 ये फ्रैक्शन में लिखो और 36. सो सी स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन इज वेरी इजी. 36 और ये 72 उसके डबल है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, 36 वन जा 36, 36 टू जा 72. और यू कैन बेटर, यू कैन डिवाइड बाय 9 ऑल्सो और 3 ऑल्सो ओके, लेकिन वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा. सो डायरेक्टली आई एम डिवाइडिंग, सी 36 वन जा 36 एंड 36 टू जा 72, वो उसके डबल है, सो एंड ये 0 एज इट इज. सो 20 अपॉन 1, सो आवर रेशियो विल बी 20:1. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कैसे किया. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर सेकेंड क्वेश्चन. सी नाउ स्टूडेंट्स, वॉट इज अवर सेकेंड क्वेश्चन. इन कंप्यूटर लैब 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स. तो ये एग्जाम्पल आप यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो. मतलब अगर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वन कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर कितने स्टूडेंट्स के लिए होगा, या फिर सॉरी वन स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, लाइक दैट यू कैन फाइंड. और नाउ वी आर फाइंडिंग बाय द रेशियो मेथड ओके. सो सी स्टूडेंट्स, रेशियो में कैसे लिखेंगे हम. सी आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे पूछा क्या है उन्होंने कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट, तो वो हम एक्स लिख सकते हैं. या ये एग्जाम्पल हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, दोनों मेथड आई विल टेल यू. सी तो फिर सी फॉर 24 स्टूडेंट्स आई विल राइट, 24 स्टूडेंट्स we don't know the computers okay. So for 24 students x computer we can write okay. For 24 students x computer okay. Now ratio kaise likhenge dekho students okay. So 3 computers okay, agar 3 computers hai okay aur uska ratio
3 कंप्यूटर्स एंड उस कितने स्टूडेंट्स के लिए, 6 स्टूडेंट्स के लिए. तो आप रेशियो फाइंड करोगे x कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर पहले लिखा है, ओके आई विल राइट हियर मींस यू विल नॉट कंफ्यूज. ओके हम रेशियो फाइंड करने वाले हैं कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं और नीचे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो कि कंप्यूटर का रेशियो कंप्यूटर से, स्टूडेंट्स का रेशियो स्टूडेंट से, वैसे भी फाइंड कर सकते हो. ओके बाय एनी मेथड यू कैन फाइंड. नाउ सी कंप्यूटर, सो सी 3 कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट्स. नाउ वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा कि 24 स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट नीचे आएंगे और उसके लिए हमने कंप्यूटर कितने लिखे है, एक्स. ओके मीन्स सी फॉर 3 कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट एंड एक्स कंप्यूटर फॉर 24 स्टूडेंट. तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या वॉट वी विल गेट, सी 3 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू हियर 6 इंटू एक्स 6x. तो हमें पता है हमने सॉल्व किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा ये 6 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, सो 3 इंटू 24 डायरेक्टली वी विल राइट 72 अपॉन 6 इज इक्वल टू x मीन्स नंबर ऑफ कंप्यूटर वी विल गेट. सो आफ्टर डिवाइडिंग 6 वन जा 6 हियर ऑल्सो 6 वन जा 6 6 टू जा 12 मतलब हमें क्या मिलेगा फिर x कंप्यूटर. ओके फॉर 24 स्टूडेंट्स वी गेट 12 कंप्यूटर्स. अंडरस्टैंड नो व्हाट आई डन हियर, सी क्या हुआ है फर्स्ट 3 कंप्यूटर जो है वो 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर. तो हमने क्या किया वो फर्स्ट वी रोट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस एंड देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 12. ओके सो फॉर 24 स्टूडेंट्स वी विल गेट 12 कंप्यूटर्स. या फिर आप अगर वन इजी मेथड आई विल टेल यू, सी दिस यू कैन फाइंड राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. ओके मतलब 3 कंप्यूटर्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स के लिए और हमें फाइंड करना है 24 कंप्यूटर्स का, सो सॉरी 24 स्टूडेंट्स का. ओके सो 24 स्टूडेंट डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई, सो सी हाउ वी विल गेट 6 वन जा 6 6 फोर जा 24 एंड देन रिमेन व्हाट नाउ 3 इंटू 4 सो वी विल गेट 12 सो 12 कंप्यूटर्स. ये भी आ सकता है आपको. ओके वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो या फिर बाय यूनिटरी मेथड आपको पहले 1 कंप्यूटर का निकालना पड़ेगा देन यू कैन फाइंड द 24 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई डन, 3 कंप्यूटर्स अगर 6 स्टूडेंट्स के लिए तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर. ओके तो फिर ये कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर ही आएंगे, स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट ही. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 3 जा 72 और ये डिवाइड होगा 6 से वी विल गेट 12. और बेटर यू कैन डू लाइक दिस फॉर 3 कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट्स. सो फॉर 24 स्टूडेंट्स हाउ वी विल फाइंड, जस्ट मल्टीप्लाई दैट 24 सो वी विल गेट 12. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन. सो सी स्टूडेंट्स व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन, द गिवन पॉपुलेशन एंड एरिया ओके ऑफ राजस्थान एंड यूपी. नाउ सी व्हाट इज द पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन फॉर राजस्थान इज व्हाट 570 लैक्स एंड फॉर यूपी इट इज 1660 लैक्स. ओके एंड एरिया सो दे गिवन, एरिया व्हाट दे गिवन फॉर पर सी किलोमीटर स्क्वायर दे गिवन, एरिया ऑफ राजस्थान इज 300,000 किलोमीटर स्क्वायर. ओके एंड जो यूपी का एरिया है वो दिया है उन्होंने 200,000 किलोमीटर स्क्वायर. ओके मतलब जो एरिया है 570 लैक्स पॉपुलेशन के लिए वो है 300,000 किलोमीटर स्क्वायर और जो 1660 लैक्स पॉपुलेशन है उनके लिए उन्होंने एरिया दिया है 200,000 किलोमीटर स्क्वायर. मतलब उन्होंने क्या दिया है कि 300,000 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में राजस्थान में कितने लोग रहते हैं 570 लैक्स और 200,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यूपी में 1660 लैक्स पीपल रहते हैं मतलब पॉपुलेशन रहता है. तो क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट. मतलब उन्होंने वो 300,000 किलोमीटर स्क्वायर या 200,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो दिया है लेकिन उन्होंने पूछा है कि दोनों भी स्टेट में 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी नाउ फॉर राजस्थान हाउ मेनी, सी फॉर राजस्थान फॉर 570 लैख ओके हाउ मच द एरिया गिवन 300,000. ओके सो अगर 300,000 के लिए 570 है
तो फॉर वन ओके 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा? सी फॉर 1 किलोमीटर स्क्वायर ये कितने दिया है उन्होंने? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ओके 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर लाइक दिस आई विल राइट. फॉर लाख मीन्स ईएल वी विल राइट. ओके सो फॉर 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा? हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा. सो 3 वन 3 टू रिमेन 3 9 27 दिस. इट मीन्स फॉर 1 किलोमीटर स्क्वायर देयर आर 190 लाख पीपल. मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 190 लाख. ओके वैसे ही यूपी में. नाउ सी यूपी में कितने लोग रहते हैं? यूपी का यहाँ फाइंड करते हैं हम. ओके सो यूपी में कितने? फॉर सी 2 लाख एरिया के लिए, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1060 लाख पीपल दे आर लिविंग. सो फॉर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं ये भी डिवाइड करना पड़ेगा. 2 8 16, 2 3 6, 830 लाख. मतलब ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राजस्थान में है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 190 लाख लोग रहते हैं, और इन यूपी 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 830 लाख पीपल्स आर लिविंग. सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? ओके उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. इन राजस्थान, सी इन राजस्थान देयर आर 190 लाख पॉपुलेशन फॉर 100 किलोमीटर स्क्वायर, एंड इन यूपी द पॉपुलेशन इज 830 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर. मतलब एक किलो, उन्होंने 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का दिया था, और हमने ओनली 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो फाइंड किया. तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन कम है? तो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल. सी यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 190 लाख पीपल रहते हैं, और यहाँ पे 830 लाख. ओके मतलब यहाँ पे कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ 190 लाख लोग रहते हैं. तो विच स्टेट? ऑब्वियसली राजस्थान. सो योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज व्हाट? राजस्थान. ओके राजस्थान हैज लेस पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड स्टेट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, क्या किया है पहले हमने? उन्होंने क्या दिया है कि राजस्थान में कितना एरिया दिया है? राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर. ओके 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो बताया उन्होंने, 570 लाख. ओके और यूपी में क्या किया है कि 2 लाख किलोमीटर. मतलब सी है, दोनों का भी एरिया डिफरेंट दिया है उन्होंने. 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 1 लाख 60 लाख पीपल आर लिविंग. ओके वो दिया है, तो हमें क्या करना है? उनका फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर, मतलब दोनों भी साथ, मतलब सेम एरिया में कितने लोग रहते हैं, यूपी में भी और राजस्थान में भी. मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में राजस्थान में रहते हैं 190 लाख पीपल, और यूपी में रहते हैं 830 लाख पीपल. सो विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? दैट इज राजस्थान. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, दिस लेसन नाउ, सॉरी दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट लिंक जरूर मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय, एंड प्लीज सॉल्व दिस ऑल एक्सरसाइज.